Hey guys, welcome to Physique Editor. मैं राकेश फिटनेस कोच। अच्छा, वेट गेन को लेकर के परेशान हो, भले ही आपने 10 तरह के तरीके अपना लिए हो, फिर भी वेट गेन को लेकर के परेशान ही हो, गेन नहीं कर पा रहे हो, ध्यान से देखना इस वीडियो को। बहुत सारे छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ जो कि आपने 10 तरीके के सर्वे किए हो तो उनके हेल्प करेगा कि किस तरीके से आपको वेट गेन करना है। देखो गाइस, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अगर आप ज्यादा तरीके अपनाओगे तो कहीं ना कहीं यूं आप जाके कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले हमें ध्यान देना है बॉडी के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पे। समझ सकता हूँ, इट साउंड्स बेसिक बट बेसिक इज बेसिक। हमें बेसिक को सबसे पहले एकदम अच्छे से समझना होगा। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो कुछ भी फूड हमने खाया है, क्या उसका हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन हुआ प्रॉपर, क्या उस फूड का ब्रेकडाउन हुआ प्रॉपर, क्या उस फूड को बॉडी ने एब्जॉर्ब किया प्रॉपर। सबसे पहले जो लोग यहाँ पे वर्कआउट नहीं करते हैं उन लोगों के लिए खास करके वर्कआउट स्टार्ट कीजिए। कैसे भी करके यू नो वर्कआउट करने के लिए जिम जाना है, ऐसा ही कोई जरूरी नहीं है। आप घर पर रहकर भी काफी अच्छा वर्कआउट कर सकते हो। कल इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है मैंने, आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन पे। घर पे रहके भी आप काफी अच्छा वर्कआउट कर सकते हो, वर्कआउट करना थोड़ा बहुत स्टार्ट कीजिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, इसको ध्यान से सुनना, जो एक्सटर्नल जंक फूड है उसको सबसे पहले आपको स्टॉप करना होगा, इसी वक्त स्टॉप करो। एक्सटर्नल जंक फूड में प्रॉब्लम क्या होता है ना कि वो जो ऑयल है होता है ना, वो बैड ऑयल है। और सिर्फ बैड ऑयल की बात नहीं है, द मिरेकल अबाउट दैट इज कि वो जला हुआ तेल है। अब तेल जला हुआ कैसे हुआ, क्योंकि वो जो तेल होता है जो उसमें यू नो वो डीप फ्राई करते हैं, जो डीप फ्राइड फूड होते हैं खास करके, उस तेल को वो लोग 10 बार 20 बार 50 बार यूज़ करते हैं, तो वो जो तेल का न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो तो वैसे ही कम हो गया। वो तेल तो वैसे ही था एक वेस्ट, वैसे ही उसमें जो फैट था वो अनयूजेबल फैट था बॉडी के लिए, और उसको भी यू नो जला करके बेच रहे हैं, तो सोचो बॉडी के लिए वो कितना ज़्यादा नुकसानदायक है। सबसे पहले उन जले हुए तेल के फूड्स को, जो डीप फ्राइड और एक्सटर्नल जंक फूड है, उनको खाना बंद करो। नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करना है हमें कि हमारा जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है उसे हमें ठीक करना है, क्योंकि जो हमने जंक फूड पहले से ही खा खा के अंदर का बैंड बजा के रखा है तो उसे हमें पहले रिपेयर करना है। देखो क्या होता है ना कि जब भी हम एक्सटर्नल यू नो जो डीप फ्राइड फूड खाते हैं खास करके, उसकी वजह से हमारा जो इंटरनल जो यू नो फूड ब्रेकडाउन का मैकेनिज्म होता है ना अंदर का, वो बुरी तरह से यू नो बिखर जाता है, तो उसे हमें अब सबसे पहले ठीक करना है। जो कुछ भी हमने खाया, बॉडी के अंदर जो फूड ब्रेकडाउन का मैकेनिज्म है, जो डाइजेशन बोल लो, जो एब्जॉर्प्शन है फूड का, उसे हम ठीक कैसे करें। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ ईजिली समझ लीजिएगा कि जो कुछ भी हमने खाया, बॉडी क्या हर चीज़ को डाइजेस्ट कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो वही हमें करवाना है। देखिए, जब भी हमने कोई फूड खाया है तो बॉडी उसको डाइजेस्ट करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, एंड देन जो ब्लड के थ्रू यू नो वो एब्जॉर्ब होता है, और ब्लड के थ्रू ही जो न्यूट्रिएंट है ना अपने अदर सारे रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स तक पहुंचता है। ये बेसिक मैकेनिज्म है। अब सोचो कि ये जो बेसिक मैकेनिज्म है, अगर यही डिस्ट्रॉय हो जाता है तो किस तरीके से ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट अदर ऑर्गन्स तक पहुंचेगा, और अगर ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स पहुंचेगा ही नहीं अदर ऑर्गन्स तक, तो किस तरीके से यू नो बॉडी ग्रो होगा। आप वेट गेन के बोल लो या फिर फैट लॉस बोल लो, कोई भी चीज़ नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमें इस प्रोसेस को एकदम से ठीक करना होगा, और इसको ठीक करने के लिए जंक फूड क्लोज, एक्सरसाइज स्टार्ट। अब सबसे पहले आपको सुबह मॉर्निंग में ना खाली पेट गर्म पानी में, हो सकता है तो नींबू या फिर लेमन और जिंजर, इनका जो है गर्म पानी में इनका जूस बना के आपको पीना है। देखिए, लेमन जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी वैसे और भी अदर फ्रूट से मिलते हैं, जैसे आंवला हो गया, इमली हो गया, तो उसमें से भी आप ले सकते हो। तो इन सारे जो फूड्स हैं इसमें से आपको सुबह गर्म पानी में लेमन कंज्यूम करना है जिंजर के साथ में। देखिए, जब इसको आप लेंगे ना तो इसमें से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, जो अंदर का जो सिस्टम है जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पूरे सिस्टम को, उस पूरे जो वर्किंग स्ट्रक्चर एंड पैटर्न है ना, उसको ये रिपेयर करता है, उसको ये बहुत ज़्यादा हील करता है। अब ये सिस्टम अगर ठीक हो गया तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इंक्रीज फाइबर रिच फूड। अच्छा, फाइबर रिच फूड ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, सिंपली समझ लो, कई तरह के यू नो बीन्स होते हैं, लेंटिल्स होते हैं, कई तरह के दालें होते हैं, यू नो पीनट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें आप अपने डाइट में इंक्रीज करें। हो सकता है तो यू नो सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, इवनिंग के स्नैक्स में, या फिर दोपहर के लंच में, मिड मॉर्निंग स्नैक्स में, रात को सोने से पहले फाइबर रिच फूड आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, जैसे कि चना हो गया, काले चने हो गए, पीनट्स हो गए, या फिर कई तरह की दालें हो गई, इस तरह की चीज़ों को आपको इंक्रीज करना है। स्वीट पोटैटोज़, ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल पोटैटोज़ से बेटर होगा, अगर आप ले पाओ तो स्वीट पोटैटोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करो। अब रेसिपी कैसे बनेगा, इसके ऊपर आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे कि किस तरीके से इन फूड को पकाकर हेल्दी वे में खाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है कि आपको खाना है, मतलब इन्हीं चीज़ों में से रोटेट कर करके आपको खाना है। देखिए, जब भी आप फाइबर रिच फूड खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी के अंदर
जो डैमेज हुआ अपना जो एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है ना, उसको आपने रिपेयर किया, उसके बाद ये फाइबर रिच फूड ही तो है जो अगेन जाके बॉडी में लगेंगे अच्छी तरीके से, ब्लड में इनका जो एक्सट्रैक्शन होगा फूड, जैसे हम हाई फाइबर रिच फूड खाएंगे तो हमारे अंदर जाएगा, वो प्रॉपर ब्रेक डाउन होगा, देन ब्लड उसको प्रॉपर एब्जॉर्ब करेगा, एंड देन ब्लड के थ्रू जो न्यूट्रिएंट है वो अदर सारे ऑर्गन्स तक पहुंचेंगे, मसल्स तक पहुंचेंगे, तो ये सारे अनलिमिटेड नंबर ऑफ एडवांटेजेस आपको मिलने लगेगा। लेकिन ये ऐसे ही नहीं मिलने वाला, आपको कई महीनों तक इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एटलीस्ट 30 डेज तक करके। तो देखो ध्यान रखिएगा, जब भी आप फाइबर रिच फूड कंज्यूम कर रहे हो तो उसके साथ कोई भी फॉर्म ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। कंप्लीट प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, जैसे कि एग्स हो गए। सिंपल मील्स के आइडिया दे देता हूँ आपको, जैसे मॉर्निंग में आप ले सकते हो ब्राउन ब्रेड, पीनट बटर, पोटेटोज, बॉयल पोटेटोज, एग्स, मिल्क, इन सब का कंबाइन करके आप एक बहुत ही डिलीशियस और एक हेल्थी ब्रेकफास्ट कर सकते हो। उसके बाद में जो आप मिड मॉर्निंग स्नैक्स हैं वहाँ पे भिगोया हुआ दाल या फिर बॉयल चने, इस तरह की चीज़ों का आप बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो। पीनट्स वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। दोपहर के लंच में आप पालक वगैरह यूज़ कर सकते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ कर सकते हो। देखिए क्या होता है ना कि जितना भी हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं वहाँ से हमें विटामिंस भी मिलता है, आयोडीन मिलता है, कई तरह के जो मिनरल्स होते हैं वो सारे मिल जाते हैं, तो ग्रीन लीव्स को ऐड करना बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है तो मल्टीविटामिन आप कंज्यूम करें, और साथ में जो इवनिंग स्नैक्स होता है वहाँ पे आप कॉफ़ी ऐड कर सकते हैं, और भी कई तरह की दालें, लेंटल्स ऐड कर सकते हैं। अगेन जब आप रात को सोएंगे, हर मील के साथ में आपको प्रोटीन कंपलसरी रखना ही है। अगर आप वे प्रोटीन एफोर्ड कर पाते हो तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस है, या फिर एग्स एटलीस्ट आप रखें, पनीर रखें। और रात के टाइम पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप वेज हो नॉन वेज हो तो पनीर आप ज़रूर से इस्तेमाल करिए, क्योंकि अगर आप नॉन वेज हो तो वहाँ पे एग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वेज हो तो पनीर का इस्तेमाल कीजिए रात को। अगर आप नॉन वेज भी हो ना तो भी पनीर रात को इस्तेमाल करना, इट्स एन आइडियल डील, क्योंकि उसमें केसिन प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन जो कि हमारे बॉडी में स्लोली डाइजेस्ट होता है और पूरी रात हमें काफ़ी अच्छा एनर्जी देता है। ये कुछ बेसिक चीज़ों का आप खास करके अच्छे से ख्याल रखें, एलिमिनेट जंक फूड, ईट हाई फाइबरस फूड, एक्सरसाइज और साथ में कंसिस्टेंसी, इसी के साथ में आपको रिजल्ट दिखेगा, तभी जाके जो आपका ड्रीम बॉडी है ना उसको अचीव करने में हेल्प होगा। सो अगर आपने इस चीज़ को 30 डेज तक किया तो आपको एक फैंटास्टिक रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप सीरियसली कर रहे हो और आपको रिजल्ट मिलता है तो कमेंट करके बताना नीचे। वेल दैट वाज द वीडियो फॉर द डे, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे फिट, टेक केयर, बाय।